धम्म ज्ञानम्, धम्म इन्फॉर्मेशन। निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण। निर्वाण, क्या पता है आप लोगों को निर्वाण क्या है? परिनिर्वाण, परिनिर्वाण किसको बोलते हैं? महापरिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण किसको बोलते हैं? आइए जानते हैं। निर्वाण, निर्वाण दुखमुक्त ज्ञान प्राप्त अवस्था है। जो व्यक्ति दुख से मुक्त होता है, जो व्यक्ति बोधि ज्ञान प्राप्त करता है, उसे निर्वाण कहते हैं। परिनिर्वाण, जो अर्हत व्यक्ति है उनका मृत्यु हो जाता है तो उसे परिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण, लोक में जो सम्यक संबुद्ध है उनका मृत्यु हो जाता है, विशेष आदर और सत्कार के साथ महापरिनिर्वाण कहते हैं। दुखमुक्ता अरत फल अवस्था को निर्वाण या निब्बान कहते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए ये निर्वाण दो तरह का है। एक है सोपादिशेष निर्वाण और दूसरा है अनुपादिशेष निर्वाण। सोपादिशेष निर्वाण, पंच स्कंद रूपी ये शरीर बाकी है परंतु मन के सारे राग द्वेष मोह आदि सभी क्लेश नाश हो चुके हैं। ऐसे दुखमुक्त अवस्था को सोपादिशेष निर्वाण कहते हैं। जैसे कि तथागत बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बोध ज्ञान प्राप्त होकर जो बुद्ध बने उस अवस्था को, और बुद्ध के उपदेश सुनके अरहत फल प्राप्त किए अन्य भिक्षु भिक्षुनियां आदियों की अवस्था, वो सोपादिशेष निर्वाण है। मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ है पर शरीर का मृत्यु नहीं हुआ है, ऐसे अवस्था को सोपादिशेष निर्वाण कहते हैं। अनुपादिशेष निर्वाण, शरीर रूपी पंचस्कंद और मन के सभी क्लेश दोनों ही पूर्णतः नाश हो चुके दुखमुक्त अवस्था को अनुपादिशेष निर्वाण कहते हैं। मतलब यह शरीर भी मृत्यु हो गया और मन के सभी क्लेश भी नाश हो चुके थे, तो ऐसे अवस्था को अनुपादिशेष निर्वाण कहते हैं। जैसे कि तथागत बुद्ध के 80 साल की उम्र में कुशी नगर में महापरिनिर्वाण होना, ये अनुपादिशेष निर्वाण है। ऐसे ही जो अरहत फल लाभ हो चुके थे, जो दुखमुक्त हो चुके थे, ऐसे भिक्षु भिक्षुनिया आदि के परिनिर्वाण होना भी अनुपादिशेष निर्वाण ही है। दुखमुक्त अरहत बने सारिपुत्र, मौद्गल्यायन, आनंद आदि भिक्षुओं, खेमा, उत्पलवर्णा, पताचारा आदि भिक्षुनियों की मृत्यु होना बुद्ध शासन में विशेष रूप से परिनिर्वाण प्रयोग करते हैं।
फिर एक बार सो उपाधि से निर्वाण का मतलब शरीर बाकी है मगर क्लेश और दुख नाश हो चुका है। अनुपाधि से निर्वाण का मतलब शरीर भी खत्म हो गया, दुख और क्लेश भी पूर्णतः खत्म हो गया, ये हुआ निर्वाण। अभी परिनिर्वाण, जो दुख मुक्त बन चुके थे, जो तथागत बुद्ध के समय के सारिपुत्र, मौद्गल्यान, आनंद आदि भिक्षुओं, खेमा, उत्पलवर्णा, पताचार आदि भिक्षुनियों, इन सभी का जो मृत्यु हुआ है बुद्ध शासन में, विशेष शब्द प्रयोग करके परिनिर्वाण कहते हैं। मतलब जो दुख मुक्त हो चुके हैं उनका मृत्यु हो जाता है तो उसे परिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण, जो लोक में सम्यक संबुद्ध है, जो खुद ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को भी उपदेश देते हैं, ऐसे सम्यक संबुद्ध को जब मृत्यु हो जाता है तो विशेष आदरार्थी शब्द प्रयोग करके महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये महापरिनिर्वाण उनको प्रयोग करते हैं जो सम्यक संबुद्ध गुजर जाते हैं। तथागत बुद्ध 80 साल की उम्र में जब कुशीनगर में अपना देह त्याग किया, सारांत जो मृत्यु हो गया उसे ही महापरिनिर्वाण कहते हैं। यह है निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण। साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।